it's my bestest day when I'm even having eating and lesson, even at the tube well and so fresh air. No, अगर गाइस तुम्हें भूख लगी है तो देखो ज्वार है यहाँ पे, खा लो। कान आरोही कहाँ भाग रहे हो आप बेटा? हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी सुता आरोही में। तो आज की वीडियो में हम आपको अपना फील दिखाएंगे, क्या क्या मस्ती करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला ब्लॉग। आइए गाइस, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इतनी गर्मी के मौसम में ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी मेरी जो टीज होती हैं उनका रॉ मटेरियल। तो देखिए गाइस, अभी ये बहुत छोटा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस चीज़ का प्लांट है, क्या आपने ये कभी प्लांट देखा है इससे पहले? गाइस लुक सो ब्यूटीफुल मैंगो ट्री, कितना सुंदर आम का पेड़ है ना। गाइस जंप करो। ईशान इट्स कोल्ड, ईशान ईशान ठंडा है पानी? ईशान बेटा डिप डिप करो। ईशान चप्पल लेके नहीं जाना है इसमें, चप्पल लेके नहीं जाते हैं पानी में। चलो चप्पल निकालो और चलो। ईशान ठंडा लग रहा है पानी? कम ईशान, इफ यू वॉन्ट टू कम होल्ड मम्मा हैंड, मम्मा मम्मा मम्मा। ईशान ईशान बेटा बैठो ना अंदर। अरे स्विम करके दिखाओ भाई प्लीज। ये सिर्फ एक बार कोल्ड लगेगा फिर अच्छा लगने लगेगा। Thank you.
तो गाइज अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए जो आप उड़द की दाल खाते हैं ना, ये उसका पेड़ है। और देखिए इसमें छोटी छोटे से ये आए हुए हैं ना, इनमें से उड़द निकलेगी। हो गया, देखो कितना सुंदर लग रहा है। और चलो मैं आपको बता ही देती हूँ किस चीज़ का प्लांट है ये। ये हमारी हल्दी का पेड़ है। तो हम यहाँ पे हर साल आते हैं जब इसको निकालते हैं यहाँ से, और मैं इसकी हमेशा अपने घर में टी बनाती हूँ खुद से। और मैं आपको दिखाऊंगी जब नेक्स्ट टाइम मैं इसको बनाऊंगी टी को, तो मैं आपको ज़रूर शो करूंगी कि मैं अपनी टी खुद घर पे कैसे बनाती हूँ, टर्मरिक टी। तो चलिए मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ। अब मैं आपको अपना आंवले का पेड़ दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये आंवले का पेड़ है। अभी आंवले नहीं है इस पे, अभी ये छोटा, इसको लगाए हुए 3-4 साल ही हुए हैं ऑलमोस्ट, तो अभी इस पे आंवले नहीं है। देखिए इस पेड़ को, ये अभी हमने कुछ ही टाइम पहले लगाया। ये आड़ू का पेड़ है, यानी पीच का पेड़ है ये। चलिए मैं दिखाती हूँ बच्चे क्या मस्ती कर रहे हैं। गाइज ये हमारा फर्स्ट एवर ब्लॉग है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है। गाइज आरोही, आपने ये ब्लॉग किया हुआ है ना यहाँ पे बेटा पानी, इससे आगे जाके पानी टूट जाएगा, एकदम से तेज पानी जाएगा ना नाली में, तो वहाँ पे टूट जाएगा कुछ जो बनाए रखता है ना वाटर को रोकने के लिए, तो वो टूट जाएगा। इसको नाली को ब्लॉक नहीं करो यहाँ पे पानी को। आरोही मेरे को एक डिप लेके दिखाओ ना बेटा, प्लीज मेरे को एक डिप लेके दिखाओ पानी में। वन टू एंड थ्री। और इस साल इस पे आम क्यों नहीं आए भाई? अच्छा, एक साल छोड़ के एक साल आम है। ओके गाइस, हमने रोक दिया। निशान आप पानी पी गए? साढ़े 8 फुट गहरी है। ईशान मजा आ रहा है आपको बेटा? भाई तुमने भी आखिरकार डिप ले ली, तुमने भी भीगी है तू। यहाँ पे बैठ के रो ईशान, ईशान को बिठा दो यहाँ पे, रुकेगा भी नहीं पानी और थोड़ा थोड़ा फिल भी हो जाएगा। क्या हो गया ईशान? अब तो ये चली जाएगी। देखो मामा जी कैसे कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो ट्राई बेटा। ईशान आरोही कहाँ भाग रहे हो आप बेटा? शेड में रहो ना। अगर गाइस तुम्हें भूख लगी है तो देखो ज्वार है यहाँ पे, खा लो। देखो ये रही ना यहाँ पे
खड़ी हुई है, खा लो। ईशान बेटा आप हंग्री हो तो देखो ये खा लो, ज्वार खा लो। देखो ये रीना खा लो बेटा। अरे ये ज्वार का प्लांट है, हाँ खा लो। इसको एनिमल खाते हैं, काऊ खाती है। क्यों बेटा? चलो आपको खाना देते हैं, हम खाना खाते हैं। ईशान बेटा ये तो बता दो क्या खा रहे हो आप? हाँ ईशान फोकस। ईशान बेटा अगर आपको ठंडी लग रही है तो पानी में पैर मत डालो। कैसा लग रहा है खाना? देखने में तो बड़ा सुंदर सा लग रहा है। पानी तो बंद हो गया, लाइट चली गई। अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। आ गई लाइट। इस ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय गाइज़।